ये रण धीरा, परंतु मुझे आज पता चला कि यहां पर एक भी व्यक्ति पराक्रमी नहीं है। लगता है मेरी पुत्री के योग्य वर ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। जब से परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश किया है, लगता है उस समय से कोई वीर क्षत्रिय इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लिया है। अब आप सब लोग अपने अपने घर पर वापस जाइए, आप लोगों की सभा में जरूरत नहीं है। तजहु आस निज निज गृह जाऊं। जनक जी ने अपमान कर दिया सभी राजाओं का, जाओ चले जाओ। लिखान विधि वै देही विवाहु, मेरी कन्या के नसीब में विवाह नहीं लिखा है, आप सब लोग अपने अपने घर पर चले जाओ। जनक जी ने कह दिया सब लोग चले जाओ, लेकिन एक भी राजा उठा नहीं। बेशरम थे राजा, एक भी उठा नहीं। बोले नहीं उठने का कारण, जब जनक जी ने बुलाया और जनक जी ने ही कह दिया कि तजहु आस निज निज घर जाऊं, सब लोग अपने अपने घर पर वापस चले जाओ, तब राजाओं को खड़े होकर चले जाना चाहिए। राजा गए नहीं, एक दूसरे को इशारा करने लगे, क्या करना है, ये बोल रहे हैं चले जाओ। बोले बैठो बैठो, देखते हैं कौन तोड़ने वाला है। बोले सब लोग अपने जैसे ही तो है। राजा लोग इसलिए नहीं गए, उन्होंने मन में सोचा कि यहां पर धनुष को तोड़ने वाला तो कोई है नहीं। अब हो सकता है आगे चलकर जनक जी कहे कि बेटा अब धनुष तो टूटने वाला है नहीं, आप अपने गले में, आप अपने हाथ में माला ले लो, और माला लेकर आपको जो अच्छा लगे उनके गले में माला डाल दो, शायद अपना नंबर लग जाए। यह सोचकर राजा महाराजा बैठे रहे कि शायद हमारा बोनस स्टेज में नंबर लग जाए। परंतु जनक जी ने बहुत कठोर वचन कहे कि मैंने सोचा था कि इस संसार में बहुत वीर हैं, वीर विहीन मही में जानी, इस संसार में एक भी वीर नहीं बचा है, ये धरती वीरों से खाली हो गई है, मात्र नपुंसक बचे हैं, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। जनक जी जब ऐसा बोले, अनंत शेष के अवतार लखन जी से नहीं रहा गया। लखन जी ने मन में सोचा अब तो हद हो गई, जब जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जानी, इस पृथ्वी में एक भी वीर नहीं बचा है, तब लक्ष्मण जी खड़े होकर, बस महाराज बस, आपने बहुत बोल दिया। अरे जिस सभा में रघुवंश के एक दिन का बालक भी बैठा हो, उस सभा में ऐसे वचन बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है, और इस सभा में तो साक्षात रघुकुल दीपक राम बैठे हैं, और आप ऐसा कह रहे हो कि यहां पर वीर नहीं है। लक्ष्मण क्रोधित हो गए, जैसे सर्प की पूंछ पर किसी का पांव हो जाए और फफड़ा कर सर्प खड़ा हो जाए, वैसे लक्ष्मण जी खड़े हो गए। रघुवंशी में से कोई एक भी बेटा हो, उस सभा में ऐसे बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। और ये शिव धनुष तो बहुत दूर की चीज है, यदि मेरे प्रभु राम यदि मुझे आज्ञा दे, शिव धनुष तो क्या चीज है, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, उस ब्रह्मांड को ऐसे पटकूं कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, तो सुमेरी पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, इस शिव धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, इसे उठाकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे, तो जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छाते को उठा लेते हैं, वैसे खेल खेल में शिव धनुष को उठा लूं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी क्रोधमय वचन बोलने लगे। तब जनक जी ने सोचा लगता है जरूरत से थोड़ा ज्यादा बोल गया। लखन सकोप वचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से क्रोधमयी शब्द बोले, दिग्गज डोलने लगे, सब कुछ कांपने लगा, सब लोग हिलने लगे।
वहां के वहां बैठे हुए जितने भी राजा महाराजा थे सब लोग डोलने लगे, दिग्गज डोलने लगे, सारी प्रजा डोलने लगी, जनक भी डोलने लगे, सब लोग डोलने लगे, दो लोग नहीं डोले, धनुष और भगवान राम। ये दोनों ऐसे ही आराम से शांत बैठे थे। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप चुप क्यों हैं? मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं, मैं इतना लाल लाल हो रहा हूं और आप ऐसे शांत बैठे हैं। तब भगवान ने इशारा करते हुए लखन को कहा, लखन सूर्य जब उदय होता है ना तब पहले लालिमा आती है ना, आपने देखा होगा सुबह जब सूर्य का उदय होता है तो सबसे पहले लाल प्रकाश होता है, लालिमा आती है और फिर सूर्य आता है। लखन लालिमा आ चुकी है, अब सूर्य आने की देरी नहीं है, राह देखो, थोड़ी ही देर में सूर्य आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। भगवान राम का इशारा होते ही लखन लाल अपनी जगह पर बैठ गए। योग्य समय देखकर विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र को इशारा करते हैं, उठहु राम बन जाऊं भव चापा। हे राम आप उठिए, खड़े होइए, मेटहु तात जनक परितापा। जनक महाराज की जो तपस्या है उस तपस्या को आज आप समाप्त कीजिए। विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र को आज्ञा दी। यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत स्थापित होता है भक्तों, क्या भगवान नहीं जानते थे कि यह धनुष मैं तोड़ने वाला हूं? जब बंदी गणों ने कहा कि हे राजा महाराजाओं अब लाइन से आप सब लोग आने लगो, तो सबसे पहले प्रभु राम ही बैठे थे, परंतु भगवान जानते थे कि ये धनुष मैं तोड़ने वाला हूं, मेरे में समर्थता है, मुझ में शक्ति है। ये सब कुछ जानते हुए भी भगवान राम ने उस धनुष को नहीं तोड़ा जब तक उनके गुरु की आज्ञा नहीं हुई। विश्वामित्र कह रहे हैं कि हे राम अब आप उठो और चलो, और जब विश्वामित्र ने कहा तब भगवान राम उठे हैं। बहुत सुंदर, भगवान राम अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि जीवन में जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि भले समर्थता हो, सामर्थ्य हो, शक्ति हो, हमारे पास कितनी भी अच्छी सामर्थ्यता हो, परंतु गुरुदेव का आशीर्वाद न हो, कृपा न हो, उनका आदेश न हो, तब तक कार्य नहीं करना चाहिए। महाभारत के प्रसंग में आप सब लोग जानते हैं, जब कौरव और पांडवों में युद्ध छिड़ गया, दोनों पक्ष आमने सामने महाभारत के उस कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े हैं और दोनों युद्ध की पूरी पूरी तैयारी में हैं, अस्त्र शस्त्र सज धज कर आए हैं, एक दूसरे को मारने की तैयारी है, परंतु उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए। जहां युद्ध प्रारंभ करना था, युद्ध प्रारंभ करने के बदले युधिष्ठिर महाराज नीचे उतर गए। बड़े भाई को रथ से नीचे उतर कर देखकर भीम भी उतर गए। भीम को देखकर अर्जुन उतरे, नकुल, सहदेव, पांचों भाई नीचे उतरे और युधिष्ठिर महाराज के पीछे चारों भाई चल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले पितामह भीष्म के चरणों में गए, पितामह भीष्म को प्रणाम किया, दंडवत किया, हे प्रभु, दादाजी हम आपके पास आए हैं, हमें आपके साथ युद्ध करना है, आपसे आदेश लेने आए हैं, आप आदेश दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। और उसी प्रकार द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे आदेश और आशीर्वाद लिया। महाभारत में वेद व्यास जी लिखते हैं, ये द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म चाहते तो उस महाभारत के पहले दिन के युद्ध में ही रिजल्ट आ गया होता, पहले ही दिन पांडवों का वध हो गया होता। पितामह भीष्म महारथी थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया तब पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, विजयी भव, और मन ही मन कह दिया, अच्छा हुआ अर्जुन, अच्छा हुआ महाराज युधिष्ठिर आप हमारे पास आ गए और हमारा आशीर्वाद प्राप्त कर लिया।
इस प्रकार गुरुजनों के आशीर्वाद और निर्देश के अंतर्गत यदि हम कार्य करते हैं तो जीवन में सफल होते हैं। भगवान श्री रामचंद्र को आज आशीर्वाद मिला है। विश्वामित्र कह रहे हैं, ओठ हूँ राम भंजउ भव चापा, मेट हूँ तात जनक परितापा। ओठ हूँ राम भंजउ भव चापा, मेट हूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र कह रहे हैं, ओठहू राम भंजहू भव चापा, मेटहू तात जनक परितापा। ओठहू राम भंजहू भव चापा, उठिए राम और उठकर जनक जी की प्रतीक्षा को तोड़िए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन, उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन। विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान से खड़े हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान पर खड़े हुए तो कैसे लग रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे आकाश में पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, सूर्य खड़ा होता है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र छोटे से सूर्य के समान खड़े हुए हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन, उदित उदय गिरि मंच पर रघुकुल बाल पतन। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भी, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भी। जैसे सूर्य उदय होता है और इस संसार में जितने भी वृक्ष होते हैं, वनस्पति होते हैं, वे हर्षित हो जाती हैं। सूर्य का उदय होते ही इस संसार के जो साधु ऋषि मुनि होते हैं वो परम प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जब अपने स्थान पर खड़े हुए हैं उस धनुष को तोड़ने के लिए, उस समय उस सभा में बैठे हुए समस्त प्रजा, राजा जनक, देवी सीता, ये समस्त लोग परम प्रसन्न हो गए। भगवान रामचंद्र धीरे 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 धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मृगराज, जैसे केसरी सिंह पर्वत की कंदराओं से निकलकर अपने शिकार को ढूंढने के लिए चलता है, वैसे भगवान श्री रामचंद्र अपने स्थान से उस धनुष की ओर जा रहे हैं। सब लोग के मन में एक ही भावना हो रही है, अब क्या होगा। जनक जी की पत्नी सुनैना सोच रही हैं कि अब ये उपहास बहुत हो रहा है, ये बड़े बड़े राजा महाराजा, सैकड़ों राजा मिलकर इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये छोटा सा बालक इस धनुष को कैसे तोड़ेगा। सबके हृदय में ये चिंता है, इससे धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा, और सबसे ज्यादा चिंता तो देवी सीता के हृदय में है। देवी सीता मना रही है समस्त देवताओं को, भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु प्रभु आज यदि ये धनुष नहीं टूटा तो ये सीता कुंवारी रह जाएगी, आज ये धनुष टूटना है। सब लोग अपने हृदय में भगवान की याद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आइए हम भी पुकारते हैं भगवान को, आप इस धनुष को तोड़िए। राजा राम राम हरे राम, राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता
सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 भगवान श्री रामचंद्र धीरे 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 उस धनुष के पास जा रहे हैं धीरे धीरे उस धनुष की ओर आगे बढ़ रहे हैं जितने धनुष के पास जा रहे हैं उतने सबके हृदय के दबकारे बढ़ रहे हैं सब लोग के हृदय में शोभ हो रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा और सब लोग भगवान को पुकार रहे हैं हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 भगवान श्री रामचंद्र चलते चलते धनुष के पास पहुंच गए और धनुष के पास पहुंचकर सबको देख रहे हैं सबकी दृष्टि धनुष के ऊपर है आज सैकड़ों लोगों की हजारों लोगों की दृष्टि धनुष के ऊपर लगी है भगवान श्री रामचंद्र ने सबकी ओर दृष्टि की अंत में भगवान राम की दृष्टि जब सीता के ऊपर गई सीता जी को व्याकुल पाया हृदय में क्षोभ है व्याकुलता है सीता की व्याकुलता को दूर करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र धनुष की ओर गए और एक दृष्टि में भगवान ने धनुष को देखा है गोस्वामी जी कहते हैं जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ने के लिए सर्प को देखता है वैसे भगवान राम ने उस धनुष को देख लिया माता पिता गुरु वशिष्ठ को याद किया विश्वामित्र को मनी मन प्रणाम किया विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया सभा में शांत वातावरण हुआ हजारों के नेत्र धनुष के ऊपर है और उस समय लखनलाल अपने स्थान पर बैठे हैं देखा प्रभु धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं लखनलाल अपने दोनों पांव से पृथ्वी को दबा लिए विश्वामित्र ने कहा तुम इतने हिल क्यों रहे हो लखन जी कहते हैं प्रभु धनुष टूटेगा बहुत बड़ी ध्वनि होगी भयंकर आवाज होगी मैं अपने पांव के द्वारा दिग्गजों को दबा कर रख रहा हूँ ताकि पृथ्वी डोल न जाए कांप न जाए गिर न जाए लक्ष्मण जी ने अपने दोनों पांव से पृथ्वी को दबा लिया और उस समय भगवान श्री रामचंद्र धनुष को देख रहे हैं और धनुष को उठाने के लिए भगवान राम अपने हाथ को आगे कर रहे हैं जैसे ही भगवान राम ने धनुष को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया अचानक धनुष का एक छोर खड़ा हो गया धनुष को स्पर्श नहीं किया भगवान का हाथ आगे होते ही धनुष एक बाजू से खड़ा हुआ और धनुष खड़ा होते ही प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ अनंत कोटि प्रकाश उत्पन्न हुआ सबकी आंखें बंद हो गई सबको समझ नहीं आया क्या हुआ भगवान को नहीं देख पाए धनुष को नहीं देख पाए लक्ष्मण को नहीं देख पाए उसी समय भगवान राम ने उस धनुष को उठाया उठाकर पतंजलि चढ़ाने गए उसी समय धनुष के दो टुकड़े हो गए धनुष के दो टुकड़े हुए और भयंकर आवाज हुई गोस्वामी जी कहते हैं तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा परे भुवन धुनि घोर तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा परे भुवन धुनि घोर कठोरा भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा और उस धनुष का जो आवाज हुआ भयंकर आवाज धनुष टूटने की आवाज तीनों लोक में चली गई गोस्वामी जी वर्णन करते हैं
धनुष टूटते ही भयंकर आवाज हुआ। सूर्य पूर्व की ओर जा रहा था, पश्चिम की ओर मुड़ गया। नदियों ने दिशा बदल दी, धरती डोलने लगी। शेष वराह इत्यादि कच्छप विकाल होने लगे, दिक्पाल चक्कर काटने लगे, समुद्र का पानी उछलने लगा, पर्वतों के शिखर गिरने लगे। विंध्याचल और हिमाचल की तलेटी में महात्माओं के ध्यान भंग हो गए, दिक्कत चक्कर काटने लगे, अप्सराओं का नित्य बंद हो गया। भयंकर शिव धनुष टूटते ही सीता जी का वियोग टूटा, जनक और सुनैना की शंका टूटी, नगर वासियों की चिंता टूटी, मंदोदरी की चूड़ी टूटी और सीता जी ने वो वरमाला भगवान श्री रामचंद्र के गले में डाल दी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी गए जनक जी के पास, आप कह रहे थे ना इस सभा में कोई वीर नहीं है, यदि दूसरा धनुष है तो मुझे दो, मैं तोड़ देता हूँ। इस प्रकार सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र के गले में माला डाली, बहुत सुंदर स्वयंवर सभा हुई, राम और सीता का विवाह हुआ। आइए हम भी दो मिनट राम और सीता के विवाह में भाग ले लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन राजा राम। राजा राम पतित पावन सीता राम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीता राम। राजा राम राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सभी लोग सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय। भगवान श्री रामचंद्र का विवाह हुआ है, सब लोग प्रेम से नाराम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो सीताराम जय सीताराम 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 बोल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राम 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 सीताराम 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 राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का विवाह देवी सीता के साथ तय हुआ। वैसे जनकपुर में रहने वाली अनेक स्त्रियां की इच्छा थी कि हम भी राम के साथ विवाह करें। अनेक स्त्रियों ने कहा कि प्रभु आप तो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, अनेक रानियों के साथ अनेक पत्नियां हो सकती हैं, आप हमारे साथ भी विवाह कीजिए। परंतु हमारे प्रभु इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा में बंधे हैं। जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह कराने के लिए बहुत सुंदर आभूषण वस्त्र, एक छोटी सी कथा आपको कह दूं। जनक जी एक दर्जी के पास गए और जाकर कहा कि मेरी बेटी का विवाह है राम के साथ, तो राम के लिए दो जोड़ी वस्त्र को सिलाई करके दे दो। दर्जी ने कहा अब बिना माप लिए मैं कैसे सिलाई कर सकता हूँ, नाप तो मुझे लेना होगा। क्योंकि दर्जी की इच्छा थी कि यदि राम हमारी दुकान में आ जाए या मैं राम के वहां चला जाऊं, परब्रह्म भगवान ईश्वर का स्पर्श मुझे हो जाए पट्टी से के द्वारा नापने में, तो मैं तो धन्याती धन्य हो जाऊं। दर्जी की इच्छा हुई। जनक जी ने कहा नहीं, नाप तो आपको लेने नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही उनका फोटो देखकर कपड़े बना दो। बोले नहीं, नाप लेना होगा तो मत बनाओ, और बहुत सारे दर्जी है। बोले ठीक है मैं बना लेता हूं।
लेकिन उस दर्जी को मन में अफसोस रह गया कि यार कपड़े तो बनाया परंतु नाप लेने नहीं मिला, नाप लेने नहीं मिला। भक्तों रामलीला में जितने भक्तों को अफसोस रहा वे सभी भक्तों की इच्छा भगवान ने कृष्ण लीला में संपन्न की। अनेक जनकपुर की स्त्रियों की इच्छा भगवान कृष्ण ने गोपियों को सौभाग्य देकर संपन्न किया। और यही दर्जी जो था मथुरा का दर्जी बना। भगवान कृष्ण को अक्रूर जी जब लेने के लिए आए तो मथुरा में आकर भगवान कृष्ण धोबी के पास गए सबसे पहले, क्योंकि कृष्ण तो अब जंगल में रहने वाले, गोकुल में रहने वाले थे और गोकुल में तो केवल धोती और गमछा, गांव में क्या होता है। परंतु अब सिटी में आए, मथुरा शहर में आए और शहर में तो आप सब जानते हैं सब अप टू डेट होते हैं, तो बोले शहर में आए हैं और सब लोग हमें निहार रहे हैं, देख रहे हैं, तो सिटी के वस्त्र पहनने चाहिए। तो कृष्ण ने सोचा कि पैसे तो है नहीं हमारे पास, क्वचित रजक आयांतम, सामने की दिशा से कुछ रजक कुछ धोबी आ रहे थे। तो कृष्ण ने धोबी को कहा कि हे धोबी, आप मेरे लिए और मेरे भाई दाऊ जी के लिए उत्तमानी वस्त्रानी, उत्तम उत्तम वस्त्र दे दो। धोबी कुछ नहीं बोला, बोले उत्तम नहीं दे सकते हो तो रिजेक्शन माल दे दो। तब भी धोबी ने कुछ नहीं दिया, बोले यदि आप हमें वस्त्र देते हो हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप माला माल हो जाओगे, आप धन्य हो जाओगे। तब धोबी ने कहा तेरे जैसे हजारों आते हैं। अब धोबी ने सीधा सीधा ना कह दिया होता कि भाई हमें आपको वस्त्र नहीं देना है तो कृष्ण दूसरे धोबी को पकड़ दे, लेकिन ये धोबी ना कहने की बात दूर रही, कृष्ण को गाली देने लगा। बोले कभी देखा है शहरों के वस्त्रों को, कभी शूट बूट को हाथ भी लगाया है, आए हो वस्त्र पहनने के लिए, चले जाओ वापस अपने गांव में, तुम लोग अपनी औकात से बाहर जा रहे हो। कभी स्वप्नों में भी ऐसा देखा था, बहुत बहुत अनाप शनाप कहने लगा धोबी। भगवान कृष्ण ने सोचा यदि साइड में बुलाकर मेरा अपमान किया होता ठीक था, सबके बीच में मेरा कचरा कर रहा है, लोगों की दृष्टि में अपना मान क्या रहेगा। कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और गुस्सा आया तो कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं किया। कृष्ण को गुस्सा आया, हाथ उठाया और जोर से गाल पर थप्पड़ मारा, धड़ से मस्तक अलग होकर गिर गया, तो भी उसी जगह पर मर गया, मस्तक अलग। मन में प्रश्न हो सकता है कि कृष्ण ने बहुत लोगों को मारा, कृष्ण ने जितने लोगों को मारा किसी के पास क्रोध नहीं किया। यद्यपि पुतना जो थी कृष्ण को मारने के लिए आई थी, जान से मारने के लिए, परंतु कृष्ण ने पुतना को मारते समय क्रोध नहीं किया था। वो तो हंसते खेलते किसी को हाथ से, किसी को लात से, किसी को घुमा घुमा कर खेलते कूदते हुए मारा। लेकिन कृष्ण ने इस धोबी को क्रोधित होकर, वहां पर सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं कि नंद का सूत जो है क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर मारा। और ये धोबी तो कृष्ण को मारने के लिए तो नहीं आया था, केवल कपड़े देने के लिए ना कहा तो उसमें थप्पड़ मारा, धड़ से मस्तक अलग हो गया। पुराणों में बहुत सुंदर कथा है, कृष्ण ने देखा कि ये धोबी त्रेता युग वाला धोबी है। वास्तव में उस धोबी के ऊपर कृष्ण ने क्रोध क्यों किया, इसके पीछे कारण यह है कि वो मथुरा का धोबी त्रेता युग में रामलीला का धोबी था। भगवान श्री रामचंद्र जब वनवास से वापस लौट गए, अयोध्या के राजा बन गए, बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन बिता रहे थे, तो एक दिन रात को धोबी की पत्नी घर पर आई, धोबी ने उसको घर पर आने नहीं दिया। बिचारी कुछ कारणवश कहीं एक दिन रुक गई थी, नहीं आने दिया, नहीं आ सकती हूँ। बोले आने दो स्वामी, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी। बोले नहीं,
जब बहुत बहुत कहा तब धोबी ने कहा कि मैं राम जैसा लंपट थोड़ी ना हूं, मैं राम की तरह स्त्री में आसक्त थोड़ी ना हूं कि तुम्हें अपना लूंगा। राम ने तो सीता कई दिनों तक रावण के पास रही फिर भी अपना लिया, मैं तो पवित्र आदमी हूं। भगवान राम के अनुचर को यह बात पता चली और राम ने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम एक राजा थे और अपनी प्रजा को उपदेश देने के लिए मजबूर होकर भगवान राम को अपनी प्राण से भी प्रिय सीता को छोड़ना पड़ा। यद्यपि भगवान राम सीता से बहुत प्रेम करते थे, आप जान सकते हैं जिस सीता को प्राप्त करने के लिए समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया, कौन बांध सकता है, लाखों लाखों असुरों को मार डाला काट डाला, उस सीता को भगवान कैसे छोड़ सकते हैं। परंतु एक धोबी के कारण भगवान को सीता को छोड़ना पड़ा। और इस लीला में तो भगवान राम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परंतु वही धोबी मथुरा में सामने मिला और कृष्ण ने देखा कि ये वही धोबी है जो मेरी पत्नी से अलग कराया था। तो त्रेता युग का क्रोध भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में निकाला और जोर से खींच के मारा, धड़ से मस्तक अलग। ये भगवान की लीला जो है लिंक में है। तो उस धोबी के पास से उन्होंने कपड़े तो ले लिए, परंतु वो कपड़े बहुत लंबे लंबे थे, बहुत बड़े थे, इसलिए कृष्ण कुछ आगे गए जहां एक दर्जी की दुकान थी और दर्जी ने कहा कि फिटिंग ठीक नहीं है आपका, लाओ मैं फिटिंग कर देता हूं, क्योंकि फिटिंग का तो जमाना है ना आज। आज देखिए कितना भी अच्छा कपड़ा है, फिटिंग नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। और आज तो न जाने कैसे कैसे फिटिंग निकले हैं, अभी नया नया फिटिंग निकला है टाइट जींस। गांव से जो लोग आते हैं वो तो सोच में पड़ जाते हैं ये पहना कैसे होगा, कपड़ा राउंड करके इस आदमी को ही सिलाई मशीन पर रख दिया होगा। परंतु स्टाइल है, फिटिंग का जमाना है। और भगवान श्री कृष्ण कोई साधु सन्यासी बाबा जी तो नहीं है, रसिक शेखर है। बोले हाँ फिटिंग चाहिए, बोले नाप लेना होगा, बोले ले लो, हाथ का चाहिए हाथ का पांव का। दर्जी ने जी भर के नाप ले लिया भगवान कृष्ण का और सारी इच्छा पूर्ण हो गई। तो इस प्रकार त्रेता युग में तो इस दर्जी को भगवान को स्पर्श करने का मौका नहीं मिला, परंतु द्वापर युग में मिल गया। भगवान श्री रामचंद्र का बहुत सुंदर विवाह हुआ, परंतु उस धनुष टूटने की आवाज तीनों लोक में फैल गई और परशुराम जी रामायण के एक अद्भुत पात्र है। परशुराम परम क्रोधी परशुराम जी उस ध्वनि को सुनकर बोले ये ध्वनि कहां से आई, प्रलय तो नहीं हुआ। उस ध्वनि की आवाज को सुनकर परशुराम जी राजा जनक की सभा में आए जहां पर यह स्वयंवर लीला चल रही थी। तेही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। और परशुराम जी भी गौर वर्ण का उनका शरीर है, गोरे रंग के हैं, परंतु क्रोध के कारण लाल लाल हो चुके हैं, सिर पर लंबी जटा है, विशाल छाती है और अद्भुत उनकी भुजाएं हैं, मृग चर्म लपेटे हुए हैं, पूरे शरीर में भस्म लगाई है और परशु समेत कंधे पर भगवान विष्णु का धनुष है और एक नहीं दो दो तरकस धारण करके आए हैं, हाथ में एक परशु है और धनुष पर बाण चढ़ाए हुए आए कि इतनी लंबी धनी करने वाला इस संसार में है कौन। तो परशुराम जी इस प्रकार से उग्र स्वरूप लेकर राजा जनक की सभा में आए। गोस्वामी कहते हैं ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतंगा। ते ही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल। परशुराम जी राजा जनक की सभा में आए, सभी राजा महाराजाओं ने देखा परशुराम आए, सब लोग मन में सोचने लगे अरे बाप हमारा काल आ गया,
क्योंकि 21 बार नक्षत्री कर चुके थे, 21 बार क्षत्रियों का वध कर चुके थे, और क्रोधित मूर्ति है, और क्रोधित परशुराम को देखकर सभी राजा महाराजा अपने दोनों हाथ जोड़कर, अपने शस्त्र को छोड़कर परशुराम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे, मैं फलाने राजा का पुत्र हूँ, मैं फलाने राजा का राजकुंवर हूँ, आप मेरा ध्यान रखिएगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आप मेरे पर गलत दृष्टि मत रखिएगा। सभी राजा महाराजा परशुराम के चरणों में प्रणाम करने लगे, और कुछ राजा महाराजा आपस में बात करने लगे कि जनक जी ने कहा था अपने अपने घर चले जाओ, उस समय चले गए होते तो अब तक घर पर पहुंच गए होते, अब ये काल, ये हमारा बाप हमारे सामने खड़ा है, ये क्या करेगा इसका कोई भरोसा नहीं है, और आज उग्र रूप लेकर लगता है हम सबको मारने के लिए आया है। देखी मही पस कलश कुचाने, बाज जपट जनु लवाल काने। जैसे खेत में बाज को देखकर छोटे छोटे पक्षी छोटी छोटी जगह पर जाकर छिप जाते हैं, वैसे परशुराम को देखकर सभी राजा महाराजा आजू बाजू में छिपने लगे, इसकी दृष्टि हम पर ना आए। उस समय परशुराम जी आए, जनक जी खड़े हुए, विश्वामित्र खड़े हुए, और परशुराम जी को कहा कि आपका स्वागत है, और परशुराम ने कहा कि इतने सारे राजा महाराजों को यहाँ क्यों इकट्ठा किया है, जनक तुम जानते नहीं हो मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूं, इतने सारे क्षत्रियों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब जनक जी ने कहा कि मैं मेरे पुत्री का विवाह करना चाहता था। जनक जी ने सारी कथा बताई, स्वयंवर सभा थी, और उस सभा में शिव धनुष टूटा, शिव धनुष के दो टुकड़े जब परशुराम ने देखे, परशुराम जी क्रोधित हो गए, मूर्ख जनक, यद्यपि जनक विदेहराज परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी, परंतु परशुराम ने कहा मूर्ख जनक, इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, जिस किसी व्यक्ति ने शिव धनुष को तोड़ा है मेरे सामने खड़ा कर, और यदि उसे मेरे सामने खड़ा नहीं करेगा मैं सबको मार डालूंगा। बेगी देखाऊ मूड नहीं जाऊ, उलट हूं मही जह नहीं तब राजो, इस शिव धनुष को तोड़ने वाले को यदि मेरे सामने खड़ा नहीं किया जनक, जहां तक तेरा राज्य है उस राज्य को उलट पुलट कर दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, मैं परशुराम हूं। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने सोचा कि ये बहुत क्रोधित हो रहे हैं, चलो मैं जाकर श्याम दाम दंड भेद, किसी भी व्यक्ति को समझाने की चार विधि होती है। भगवान श्री रामचंद्र शांत होकर गए और विश्वामित्र जी ने परिचय कराया कि ये राजा दशरथ के पुत्र राम है, भगवान राम आगे आए और परशुराम जी को कहते हैं कि प्रभु प्रभु ये शिव धनुष कोई तोड़े, ऐसा कार्य तो आपका सेवक ही कर सकता है, इस संसार का साधारण व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता है, आपका दास ही ये कार्य कर सकता है। परशुराम जी और क्रोधित, अरे मूर्ख, दास तो वो होता है जो सेवा करे, सेवक का धर्म है सेवा करना, ये धनुष को तोड़ना ये कोई सेवा नहीं है, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है, और आज यदि शिव धनुष तोड़ने वाला मेरे सामने नहीं आया मैं पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूंगा। लक्ष्मण जी विश्वामित्र के पास गए, प्रभु प्रभु आपने राम को क्यों इंट्रोडक्शन कराया, मुझे भेजो, ये मेरे टाइप का आदमी है, आप मेरी पहचान कराओ, राम को पीछे ले लो। विश्वामित्र ने सोचा कि लखनलाल की ही जरूरत है, यहाँ परशुराम के सामने और कोई ठीक नहीं पाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी गए परशुराम के सामने जाकर कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, परशुराम जी आग की तरह जल रहे थे और लक्ष्मण जी ने उस आग में घी की आहुति डाल दी। लक्ष्मण जी ने जाकर कहा कि प्रभु बचपन में तो हम लोगों ने बहुत बहुत धनुरिया तोड़ डाली, मैं और मेरे भाई राम जब छोटे थे तो छोटे छोटे धनुष से हम लोग खेलते थे और बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए,
और जब इतने सारे धनुष टूटे, हमें कोई कुछ नहीं कहा, आज एक धनुष टूट गया और आप इतने गर्म हो रहे हो। परशुराम जी और क्रोधित, अरे मूर्ख, ये शिव धनुष को तू साधारण धनुष समझता है? ये कोई साधारण धनुष नहीं है, ये महान शिव धनुष है, ये महान है, महान है। तब लक्ष्मण जी कहे, प्रभु अब आपका उत्तर आप ही के तो पास है, आप हमको क्यों पूछ रहे हैं? आप ये तो मान रहे हो ना कि ये धनुष महान है। प्रभु आप ही कह रहे हो कि ये धनुष महान है, बहुत महान है। प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई महान ही हो सकता है, कोई साधारण व्यक्ति से तोड़ नहीं सकता है। परशुराम जी और क्रोधित होते जा रहे, मूर्ख, शिव धनुष को तोड़ने वाले को तू महान कहता है? शिव धनुष को तोड़ने वाला कभी महान नहीं हो सकता है, वो मेरा शत्रु है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि आपके वेश से, आपके वस्त्र से लगता है कि आप साधु हो, आप संत हो, आप महात्मा हो। प्रभु साधुओं को वैराग्य अच्छा लगता है, वैराग्य शोभित होता है, आपकी धनुष में इतनी ममता, इतनी आसक्ति क्यों है? साधु तो उसे कहते हैं जो पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाए, धन की आसक्ति से मुक्त हो जाए, समाज की आसक्ति से मुक्त हो जाए, आपकी इस धनुष में इतनी ममता क्यों है? तब परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, लगता है यह धनुष तूने ही तोड़ा है, इसी ने तोड़ा है। लक्ष्मण कहते हैं कि देखो प्रभु, ये धनुष न तो मैंने तोड़ा है, न तो ये राम ने तोड़ा है। आप खामखा हम लोगों के ऊपर दोषारोपण मत करो, हमने ये धनुष तोड़ा नहीं है। हम तो यहाँ रास्ते से जा रहे थे, देखा एक पुराना धनुष पड़ा है, तो मेरे भाई ने सोचा कि ये पुराना है या नया है, जरा कैसा है, तो धनुष को देखने के लिए धनुष को एकमात्र साधारण जैसे उठाते हैं वैसे साधारण हल्के से उठाया, वो धनुष को उठाकर टूट गया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? परशुराम अपना परसु आगे करके कहते हैं, अरे मूर्ख, इस धनुष को तोड़कर तू अपने आप को महान साबित करना चाहता है, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं? बोले नहीं जानता हूं आप कौन हूं, बताइए। परशुराम कहते हैं कि मुझे देखकर इस संसार में गर्भवती स्त्री जब मेरे परसु को देखती है तो वो प्रसव कर देती है, हजारों हजारों कोस दूर लोग जब मेरा मांस नाम सुनते हैं तब कांप जाते हैं, और तू निर्भय होकर मेरे सामने खड़ा है, लगता है तू मेरे बारे में जानता नहीं है। मैंने इसी परसु से हजारों हजारों क्षत्रियों को मारा है, काटा है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप मुझे बार बार परसु क्यों दिखा रहे हो, और आप ऐसा सोचते हो कि मैं आपके परसु को देख रहा हूं? नहीं, आप मुझे बार बार परसु दिखा रहे हो, मैं एक बार भी आपके परसु के सामने नहीं देखा। मुनिवर, मैं आपके तिलक के सामने देख रहा हूं, और मैं आपकी जनोई के सामने देख रहा हूं। हमारे रघुवंश में गाय के ऊपर, स्त्री के ऊपर, बालक के ऊपर और ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। बार बार परसु दिखा रहे हो, यदि हिम्मत है तो तिलक को पहुंच दो और जनोई को फाड़ डालो, जनोई और तिलक को फेंक कर आप मेरे सामने आओ, तब पता चले ये सुमित्रा नंदन ने किसका दूध पिया है। परशुराम क्रोधित हो गए, बस लगता है तू अपनी माता को निपुति बनाना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि युद्ध करना है तो क्षत्रिय बनकर आओ, और फिर देखो कि राम की इस अनुज में कितनी शक्ति है। दोनों आमने सामने क्रोधित हो गए। तब राम ने सोचा कि यदि मैं कुछ नहीं किया तो ये दोनों झगड़ने लगेंगे। भगवान श्री रामचंद्र तुरंत परशुराम जी के पास गए, और परशुराम के पास जाकर कहते हैं, प्रभु आपका गुनहगार मैं हूं, मेरे द्वारा यह धनुष टूटा है, मैंने इसे तोड़ा है। कौन है तू? प्रभु मेरा नाम राम है। अच्छा, तू अपना नाम
से मेरा नाम जोड़कर सोचता है कि तू मेरे जैसा पराक्रमी हो गया है। केवल नाम रख लेने से कोई पराक्रमी नहीं हो जाता है। परशुराम ने सोचा, परशुराम में भी राम शब्द लगा है, बोले मेरी तरह राम नाम रखकर तू मेरे जैसा पराक्रमी हो जाएगा। तब भगवान श्री रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भगवान का जो वलकल था थोड़ा सा नीचे उतरा और परशुराम ने देखा, अरे इनके वक्षस्थल में तो भगवान लक्ष्मी जी के चरण का चिन्ह, भृगु जी के चरण का चिन्ह है, लक्ष्मी जी की श्री वस्त्र रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि है। परशुराम समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु साक्षात विष्णु ही अवतार लेकर धारण हुए हैं। परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और दोनों हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करने लगे। इस प्रकार से परशुराम जी सोच लिए, समझ लिए कि भगवान का अवतार पृथ्वी पर हो चुका है। वहां पर माहौल शांत हुआ। दशरथ जी को पत्र लिखा गया कि आप आइए, यहां विवाह की तैयारी कीजिए और सीता का ब्याह करके लेकर जाइए। उन दिनों एक रिवाज था, विवाह में वर की माता साथ में नहीं जाती थी। कई कई कौशल्या, सुमित्रा, ये तीनों घर पर हैं। राजा दशरथ गए, बहुत सुंदर विधि से विवाह हुआ। भगवान श्री रामचंद्र सीता के साथ विवाह किए और सीता को विवाह करके घर पर आए, अयोध्या में आए हैं। आप सब जानते हो हमारे भारतवर्ष में आज भी परंपरा है कि जब कोई दंपति पुरुष और स्त्री का विवाह होता है और विवाह होते ही घर पर आते हैं तो बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जो बड़े बूढ़े होते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को लेकर अपनी मां कौशल्या के पास नहीं गए। भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता को लेकर कैकेयी के पास गए। भक्तों, ये सनातन सत्य बात है, भगवान राम अपनी जननी से, अपनी जन्म देने वाली मां से ज्यादा प्रेम कैकेयी से करते थे और कैकेयी भी अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम भगवान राम से करती थी। कैकेयी के प्यारे थे राम, पत्नी को लेकर सर्वप्रथम कैकेयी के पास गए। कैकेयी जिस भवन में रहती हैं उस भवन का नाम है कनक भवन। उनके पिता ने यह भवन बनाकर दिया था, सोने का भवन। आज भी अयोध्या में आप जाते हो तो राम जन्मभूमि के बाजू में ही यह भवन है। सोने के महल में रहती थी कैकेयी। राम और सीता कैकेयी के भवन में गए, प्रणाम किए। भक्तों, बुद्धिमान व्यक्ति को जब कोई बहू घर पर आती है तो उस बहू को पहचानने में देर नहीं लगती है। जो बुद्धिमान होते हैं वो घर के प्रांगण में प्रवेश करते ही बुद्धिमान समझ जाते हैं कि इनका स्वभाव कैसा है। कैकेयी समझ गई कि वाह, परम सुसंस्कृत नारी है। और वैसे सीता के साथ कैकेयी ने कुछ बात तो नहीं की, परंतु सीता ने जो वस्त्र पहने थे, जो आभूषण पहने थे, वस्त्राभूषण अलंकार, उस वस्त्र को देखकर पूरा पूरा अंदाज आ गया कि यह सीता कितनी सुसंस्कृत है। सीता जी के वस्त्र की शोभा भी रामायण में वर्णन है, इतने सुंदर वस्त्र और इतने मर्यादिक वस्त्र पहने थे कि सीता का एक भी अंग दिख नहीं रहा था। ये मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी भी मर्यादा में है, अपने हाथ को ढके हुए, अपने पांव को ढके हुए, एक अंग भी दिख नहीं रहा था, मर्यादा में। परंतु आज तो घोर कलयुग आ रहा है,
धीरे धीरे वस्त्र कम होते जा रहे हैं। संसार में लोग कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पूछा जाए प्रगति क्या है, जितने छोटे कपड़े हो रहे हैं उतनी प्रगति है, जितने कम पहनते हैं उतने ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, ये प्रगति नहीं ये दुर्गति है। जो लोग नंगे रहना चाहते हैं, जो लोग अपने वस्त्र को ढककर रखना नहीं चाहते हैं, अपने वस्त्र को दिखाना चाहते हैं, भगवान मरने के बाद उसे पेड़ और वृक्ष बनाते हैं। कपड़े नहीं पहनने हैं तो मनुष्य क्यों बने हो, वृक्ष बन जाओ और नंगे नंग धड़ंग खड़े रहो। भगवान बहुत कड़ी सजा देते हैं भक्तों। इस संसार में सबसे दुखमय योनि यदि कोई है तो वह वृक्ष की। 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा दुख वृक्ष को मिलता है, एक जगह पर खड़े रहता है, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो। इसलिए वस्त्राभूषण मर्यादा में होने चाहिए, एक अंग भी दिखना नहीं चाहिए। नहीं तो यदि कोई स्त्री यदि ठीक से वस्त्र नहीं पहनती है और उनका अंग दिखता है तो लाखों लोगों की काम वासना की दृष्टि उन पर पड़ती है, और वह लाखों लोग की काम वासना की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है वह काम वासना उस स्त्री में आ जाती है। यह आंतरिक प्रभाव है। जैसे गर्मी की ऋतु में जिस व्यक्ति को आंख आती है, आंख आना जानते हैं, पानी निकलता है, जिस व्यक्ति को आंख आई है वह साधारण व्यक्ति के सामने देखता है तो उसको भी आंख आ जाती है, इसलिए चश्मा पहनते हैं। एक आंख आने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने देखता है तो आंख आ जाती है, तो लाखों लोग काम वासना की दृष्टि से जब देखते हैं तो क्या वह प्रभाव उसके अंदर नहीं आ सकता है, अवश्य आता है। इसलिए मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। अरे वस्त्राभूषण ऐसा होना चाहिए कि कामी से कामी व्यक्ति भी यदि किसी स्त्री के ऊपर दृष्टि डाल दे तो डालकर उसके मुंह से निकल जाना चाहिए, नहीं नहीं ये तो माँ है, ये तो हमारी बहन है, ये तो शक्ति है, ये तो देवी है, इस प्रकार से संबोधन हो जाना चाहिए, ऐसे वस्त्राभूषण होने चाहिए। ये तो अच्छे पुरुषों को भी बिगाड़ने वाली हो गई है, मर्यादा होनी चाहिए। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा चल रही है, इसलिए एक बात मैं आपको बार बार कहता हूं कि जीवन में सब कुछ है परंतु मर्यादा नहीं है तो यह जीवन कुछ काम का नहीं है। बहुत सुंदर, आपके पास धन हो सकता है, गाड़ी बंगले नौकर जाकर सब कुछ है परंतु मर्यादा नहीं है, जीवन कुछ काम का नहीं है। अक्सर दृष्टांत देता हूं, मान लो आपको कोई एक गाड़ी दे दे, मर्सिडीज बेंज, और आपको कहे कि आप इस गाड़ी को चलाइए। आप गाड़ी को चला रहे हो, 200 की स्पीड में गाड़ी चल रही है और गाड़ी देने वाले का आपको मोबाइल फोन आए, आपको गाड़ी कैसी लग रही है? आप कहोगे बहुत अच्छी, 200 की स्पीड में चल रही है। बोले स्टेयरिंग कैसा है? बहुत अच्छा। बोले टायर कैसा है? बहुत अच्छा। रंग कैसा है? बहुत अच्छा। अंत में वो कहे गाड़ी देने वाला कि संभाल कर चलाना, गाड़ी में ब्रेक डालना भूल गए हैं, क्या होगा? कितना भी अच्छा रंग हो, कितना भी अच्छा टायर हो, कितनी भी अच्छी स्पीड हो, कितनी भी अच्छी सीट हो, परंतु गाड़ी में ब्रेक न हो तो वह गाड़ी कुछ काम की नहीं है। उसी प्रकार भक्तों, कितना भी अच्छा भगवान ने हमको शरीर दिया, हाथ दिया, पांव दिया, आंख दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया, परंतु जीवन में यदि मर्यादा नहीं है तो यह जीवन कुछ काम का नहीं है। उस बिना ब्रेक की गाड़ी की तरफ बेकार है वह जीवन। जैसे गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं तो एक्सीडेंट होता है, वैसे जीवन में यदि मर्यादा नहीं तो एक ना एक दिन जीवन का पतन होता है। मर्यादा होनी चाहिए। सीता ने जैसे ही प्रणाम किया, रामायण में वर्णन है, उसी समय कैकेयी ने अपने घर का जो भी माल सामान और घर की जितनी भी चाबियां थी वह सारी चाबी सीता के हाथ में दे दी। सीता, आज तक मैं इस सोने के भवन में, सोने के बंगले में रहती थी,